यार ईटी तो निकाल दिया 15 दिन में, हलवा था भाई, हलवा 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 था भाई। अब एग्जीक्यूटिव 2 महीने में निकाल दूंगा। क्यों भाई, एग्जीक्यूटिव कितने में निकालेगा? 2 महीने में निकालेगा भाई। ये सुन, तू पहले ये सुन भाई, देख ईटी तूने ऐसा ऐसा निकाल दिया, हलवा था लेकिन भैया एग्जीक्यूटिव हलवा बना देता है, एग्जीक्यूटिव फाड़ देता है, फाड़ 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 एग्जीक्यूटिव फाड़ देता है। हाँ जी, मतलब ये हार्श रियलिटी है बट इसको सुनना बहुत जरूरी है। देख कैसा है ना, ईटी में आप लोगों ने क्या किया था यार, 10-15 दिन पढ़ लिए थे, मैराथन देख लिए थे, कुछ टेस्ट दे दिए थे और निकल गया था। लेकिन एग्जीक्यूटिव का सिलेबस बहुत वास्ट है, डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, कोई चीज करनी है तो उसके पहले ये जानना बहुत जरूरी है, माइंडसेट को चेंज करना बहुत जरूरी है और एक पॉजिटिव माइंडसेट आना बहुत जरूरी है। तो ईटी में कितना परसेंट रिजल्ट आया होगा यार, 60-70% रिजल्ट आया होगा। एग्जीक्यूटिव में रिजल्ट लगता है 7%, मतलब कहाँ 70%, कहाँ 7% रिजल्ट, जमीन आसमान का डिफरेंस है। एग्जीक्यूटिव इतना सा था ना, एक बुक दोनों बुक बुला के इतना सा था, यहाँ एग्जीक्यूटिव में एक एक बुक इतनी सारी है। मतलब अगर आप देखोगे तो ईटी मल्टीप्लाई बाय 7x कर दो तो एग्जीक्यूटिव का सिलेबस कंप्लीट होगा। तो एग्जीक्यूटिव बहुत वास्ट है, 2 महीने में नहीं होगा दोस्त। क्या करना पड़ेगा, रेगुलर लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे। लेक्चर चलते हैं दिन के, रोज के 8 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, कितने घंटे के, 8 आवर्स के लेक्चर होते हैं। घर जाके 3-4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, मतलब रोज का 12 घंटे आपको पढ़ाई में रहना पड़ेगा। आपको आपकी दोस्ती यारी पार्टी शार्टी सब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, शादी ब्याह सब बाद में करोगे। से तुझे नहीं करनी है शादी, जो भी शादी ब्याह है वो सब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और लगना पड़ेगा पढ़ने में। डाउन मतलब ये मैं बोल लूँ, यहाँ से 6-8 महीने ना अपने आप को भूल के सिर्फ इसमें लगना पड़ेगा, पढ़ाई में लगना पड़ेगा। दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है कि पास नहीं होते बच्चे, बच्चे पास होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं जो मेहनत करते हैं दोस्तों वो पास होता है। तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, रोज के 10-12 घंटे आपके लेक्चर्स, जो 8 घंटे के लेक्चर्स है, 2-4 घंटे सेल्फ स्टडी है, वो रेगुलरली करना पड़ेगा। टेस्ट देनी पड़ेगी आपको, जितने भी टेस्ट सीरीज आती है वो टेस्ट सीरीज आपको देनी पड़ेगी। ये सब करने के बाद ना आपका रिजल्ट अच्छा आएगा दोस्तों। तो ईटी ना, ईटी थोड़ा सा है ना, था हलवा था लेकिन ये हलवा बना देगा, है ना। तो ध्यान रखना है, पढ़ना है स्टार्टिंग से, डे 1 से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। सर बैच कब से स्टार्ट हो रही है, तो 21st से। कब से? 21st से बैच स्टार्ट हो रही है, 21st of May से अपना बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। एंड अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट होएगा। नवंबर और दिसंबर में आपको सेल्फ स्टडी करनी है, टेस्ट सीरीज देनी है, मैराथन करना है, रिवीजन करना है और दिसंबर एंड में आपका एग्जाम होएगा ग्रुप 1 का। और अगर आप दोनों ग्रुप साथ में देना चाहते हो तो जून 2025 में एग्जाम दे सकते हो। तो अक्टूबर तक उनके लिए हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, नवंबर से लेकर ग्रुप 2 स्टार्ट कर देंगे। ग्रुप 2 अप्रॉक्सीमेटली मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 15th of March तक। फिर 2 महीने आपको सेल्फ स्टडी को मिलेंगे, रिविजन करना है और एग्जाम दे देना है, करेक्ट है? तो भैया अभी एग्जीक्यूटिव ऐसे है ना, ऐसे निकलेगा कब, जब पढ़ाई करोगे थ्रू आउट, ठीक है ना। तो जल्दी से अगर आपने एडमिशन नहीं करवाया दोस्तों, एडमिशन बुक करा लीजिए, मिलते हैं। तूने करवा लिया बुक? हाँ। चलिए बहुत बढ़िया भैया, एग्जीक्यूटिव हलवा बना देता है।